नमस्कार, स्पोर्ट्स तैयारी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चारू पारिक। आईपीएल वो खत्म हुए वैसे तो करीब एक महीने का समय गुजरने को है, लेकिन अभी तक जो एक सवाल है वो बरकरार है कि क्या रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है। हालांकि जब आईपीएल का फाइनल मुकाबला खत्म हुआ था तो लास्ट में महेंद्र सिंह धोनी रविंद्र जडेजा के गले मिलते नजर आए थे, उससे ये चीज काफी हद तक साफ हो गई थी कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन काशी विश्वनाथन जो कि सीएसके के सीईओ हैं, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया जहां पर उन्होंने ये चीज भी कही कि लेकिन रविंद्र जडेजा हर्ट जरूर हुए हैं, जडेजा को तकलीफ जरूर हुई है। तो क्या मसला है, सारी बातों को लेकर के सीएसके के सीईओ का क्या कहना है, उस पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। तो सीएसके के सीईओ जो हैं काशी विश्वनाथन जी, उन्होंने इन सभी चीजों के ऊपर बात की जो रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी के बीच में जो रिफ्ट की खबरें सामने आई थी उसको लेकर के भी उन्होंने खुलकर बातचीत की है। उन्होंने बताया कि रविंद्र जडेजा जब खेलने के लिए आते थे तब करीब 5 से 10 बॉलें उनको खेलने के लिए मिला करती थी और उसके बाद उनको पता है कि महेंद्र सिंह धोनी को आता था और ऐसे में जब भी वो खेलने आते थे तो सब क्राउड चाहता था कि महेंद्र सिंह धोनी वहां पर खेलने आए, ऐसे में उनको हर्ट जरूर हुआ करता था, लेकिन उन्होंने कभी भी इस बारे में कोई भी शिकायत नहीं की। हालांकि उन्होंने एक ट्वीट जरूर किया था, लेकिन उन्होंने टीम से आकर के अपने टीममेट्स को, अपने साथियों को कभी भी इस चीज के बारे में कोई भी शिकायत उन्होंने नहीं करी, बल्कि अंत में उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को अपनी ट्रॉफी, अपनी जीत डेडिकेट भी की थी। तो रविंद्र जडेजा ने स्टोरी यहां पर एक जो ट्वीट उन्होंने रविंद्र जडेजा ने किया था उसको लेकर के उसके बाद से कवायद तेज हो गई थी कि क्या दोनों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि मैदान पर भी दोनों के आपस में कुछ बहस होती हुई दिखाई दी थी। उसके बाद जडेजा ने ट्वीट किया था कर्मा को लेकर के, उन्होंने उसके साथ ही कैप्शन लिखा था डेफिनेटली, जिसको लेकर के जैसे ही ट्वीट सामने आया था उसके बाद से और भी ज्यादा बातें होने लगी कि इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, मैदान पर भी बहस होती भी नजर आई थी। लेकिन उसके बाद काशी विश्वनाथन मैच खत्म होने के बाद रविंद्र जडेजा के साथ मैदान के ऊपर कुछ बातचीत करते उनको कुछ समझाते नजर आ रहे थे। ये जो वीडियो क्लिप था, ये भी वीडियो क्लिप भी सामने आया था, कुछ तस्वीरें दिखाई दी थी, उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे रविंद्र जडेजा किसी बात को लेकर के नाराज हैं और काशी विश्वनाथन उनको समझा रहे हैं, उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर काशी विश्वनाथन ने इसको लेकर के भी अपना जो है जवाब दिया है, उन्होंने कहा है कि मैं उसे कुछ भी समझाने की या उसको शांत करने की कोशिश नहीं कर रहा था, हम मैच को लेकर के बात कर रहे थे और कोई भी डिस्कशन नहीं हो रहा था, गेम कैसे गया उस चीज को लेकर के हम दोनों के बीच में बातें हो रही थी, इसको गलत तरीके से लोगों ने इस क्लिप को समझा है। तो काशी विश्वनाथन ने ये चीज तो क्लैरिफाई कर दी है, इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। हालांकि साथ के साथ उन्होंने ये भी चीज मानी है कि रविंद्र जडेजा हर्ट जरूर हुए होंगे, उनके अलावा कोई और खिलाड़ी होता तो उसे भी ये चीज बुरी लगती। और रविंद्र जडेजा ने खुद उस मैच के बाद ये बात कही थी प्रेजेंटेशन के दौरान कि जब भी मैं खेलने के लिए आता हूं तो क्राउड चाहता है कि मेरा विकेट चला जाए और महेंद्र सिंह धोनी फिर बल्लेबाजी करने के लिए आ सकें, ताकि और साथ के साथ धोनी के चैंट भी वहां पर होने लगते हैं। हालांकि हंसते हुए रविंद्र जडेजा ने ये बात कही थी, लेकिन तकलीफ उनको इस बात से कहीं ना कहीं जरूर हुई थी। अब जैसा कि काशी विश्वनाथन ने भी इस चीज के ऊपर मोहर लगा दी है कि रविंद्र जडेजा को दुख जरूर होता था ये देख करके, थोड़ा हर्ट जरूर वो होते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने इसकी शिकायत नहीं की। और लास्ट में हमने देखा था रविंद्र जडेजा ने अपनी जो जीत थी, जो चेन्नई सुपर किंग्स की जीत थी, ट्रॉफी थी, वो महेंद्र सिंह धोनी को डेडिकेट की थी। उन्होंने यहाँ पर ट्वीट करके भी तस्वीरें महेंद्र सिंह धोनी के साथ में शेयर की और साथ ही साथ उन्होंने जो कैप्शन लिखा था, वी डिड इट फॉर वन एंड ओनली एमएस धोनी, माही भाई आपके लिए तो कुछ भी। तो यहाँ पर ये जितने भी र्यूमर्स थे आईपीएल के दौरान, जो भी र्यूमर्स निकल करके दोनों के बीच में सामने आए थे, इस ट्वीट से काफी हद तक चीजें साफ हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी ये माना जा रहा था कि रविंद्र जडेजा को शायद तकलीफ जरूर थी, जिसके ऊपर काशी विश्वनाथन ने भी अब बयान दे दिया है। लेकिन अंत में उन्होंने यही चीज कही कि दोनों खिलाड़ियों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ काफी अच्छा है। इसके साथ साथ काशी विश्वनाथन ने महेंद्र सिंह धोनी की अपडेट देते हुए भी कहा था कि वो ठीक हैं, अच्छे से रिकवर कर रहे हैं, 3 हफ्ते वो आराम करेंगे, उसके बाद में वो रिहैब ज्वाइन करेंगे। तो धोनी को लेकर के भी उन्होंने अपडेट दी है और भी काफी सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन फिलहाल जिस चीज को लेकर के पूरे आईपीएल में चर्चा चलती रही उसको लेकर के उन्होंने ये बता दिया है साफ तौर पर कि जडेजा अपसेट जरूर थे, हर्ट उन्हें जरूर हुआ, लेकिन कभी उन्होंने शिकायत नहीं की और दोनों खिलाड़ियों के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा है, एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा प्यार और सम्मान भी है। तो वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अभी के लिए दीजिए इजाजत, जय हिंद जय भारत।